मरियम किचन में आप सबको खुशामदीद। आज मैं बना रही खारा गोश्त। ये मटन है और ये प्याज है, ये हरी मिर्च, ये धनिया, इसको हम मिक्सर में पीसेंगे। इतना नहीं लूँगी, इसमें से जितना मुझे ज़रूरत है उतना ही ले लूँगी। ये पीसेंगे इसको। ये प्याज है, इसको डालेंगे कुकर में। अब मैं पहले मसाला पीस के लेती हूँ, फिर बताती हूँ। ये मैंने इसको मसल के रखी प्याज को, इसमें कुछ ज़्यादा जाएगा नहीं, बस अब इसमें ही डालेंगे हम हिसाब से अपने जितना तेल चाहिए आपको। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, आपका जितना मटन है उस हिसाब से लेंगे। ये मैं हरी मिर्च है ये 1 टेबल स्पून डाली हूँ, ताकि मैंने मिक्सर का जो हरी मिर्च का पानी है वो भी डालूँगी। इसमें डालेंगे मटन हमारा। इसमें खड़े मसाले डालेंगे, गरम मसाले और तेज पत्ता। ये देखो 3-4 टुकड़े हम डालेंगे दालचीनी के, 2 1/2 स्टार फुल डाली हूँ, 6-7 इलायची डालेंगे, 6-7 लौंग डालेंगे, थोड़े से हम ऐसे 7-8 ऐसे काला मिर्च डालेंगे। अब इसको हम पकने चढ़ा देंगे चूल्हे पर, और इसमें तेज पत्ता डाल दूंगी 2-3। ये देखो हमारा ये खारा गोश्त गल चुका है, अब इसे तड़का लगाएंगे। ये अभी मैंने इसमें निकाली लगनी में, अब इसको हम देंगे तड़का, वो भी घी और काला मिर्च का, काला मिर्च पाउडर और घी। डालेंगे हम काला मिर्ची। अगर आपके हरी मिर्च बहुत तेज़ है तो आप काला मिर्ची थोड़ी ले। ये देखो अब तड़का लगाएंगे। मैंने देसी घी ली हूँ, आपके पास जो घी है वो आप डाल सकते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है, 1 नंबर। खारा गोश्त, इसको खारा गोश्त बोलते हैं, नमकीन गोश्त भी बोलते हैं। आपको जितना नमक आप खा सकते हैं उसी तरह हम ये बनाएंगे। एकदम ज़्यादा खारा बोले तो बहुत ज़्यादा ही तो नमक नहीं डाल सकते, लेकिन जो हमने घी और काला मिर्च पाउडर का तड़का लगाया उससे बहुत अच्छा लगने लगा है। अब मैं चूल्हा बंद करती हूँ, 2 मिनट रखती हूँ और फिर बताती हूँ।
ये देखिए हमारा खारा गोश्त माशाल्लाह, देखिए रोगन आ गई आज। जब भी बनाती हूँ गोश्त बहुत सारा तेल डालती हूँ लेकिन आता ही नहीं, आज देखो आ गई तरी हमारे खारे गोश्त पर। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है खाने में भी, आप भी बनाइए और खा के बताइए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी और एक नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।